हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और उनकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। पहले पार्ट में हमने मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, इन तीनों टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां से देख लीजिए। और आज हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है यानी टॉपिक है, वो है हेनरीज लॉ यानी हेनरी का नियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देख लेते हैं। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हम उनको पार्ट वाइज देखेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, ऐसे करके, ठीक, ताकि आपके माइंड पे भी ज्यादा कोई प्रेशर ना हो। और उसके बाद संपूर्ण किताब के यानी संपूर्ण चैप्टर वाइज क्या करेंगे, टोटली हम उनके न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक। तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं बच्चों। रेगुलरली थोड़ा बीच में नहीं बन पा रहा है क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है, है ना। आपका इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है कि अब भाई क्या है, जल्द ही मोनू सर भी डिजिटल बोर्ड लेने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बोर्ड एग्जाम से पहले वो भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले बच्चों इसके नियम को हम देख लेते हैं, ठीक, इसके नियम को देख लेते हैं कि ये नियम क्या कहता है, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार ये जो हेनरी का नियम है वो क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो क्या है, दाब के समानुपाती होती है। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा नियम है। नियम क्या कहता है बच्चों कि किसी द्रव की स्थिर ताप पर यानी ताप जो हो, टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, और उस ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता जो है वो दाब के समानुपाती होती है, ठीक। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं एक हम यहां से डायग्राम के माध्यम से। जैसे बच्चों जैसे यहां पे हमने क्या एक कोई पात्र ले लिया है ना, एक पात्र या बर्तन ले लिया है, और इसमें क्या है, मान लेते हैं कि भाई क्या है, इसमें विलायक, ठीक, कोई भरा है। विलायक मतलब हमने बताया था कि भाई जिसमें कोई चीज आप घोलते हैं वो विलायक होता है, जिसे घोलते हैं विलेय होता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई पात्र है, बर्तन है, और इसमें क्या है बच्चों, द्रव भरा हुआ है ना, क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। अब उसके बाद इसमें क्या कर रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि इसमें CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको इसमें घोल रहे हैं। तो इसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें घोल रहे हैं। तो ध्यान से समझना, अब नियम क्या कहता है एकदम क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझिए। ये द्रव है पूरा, और द्रव में आप गैस को घोल रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में यानी जब टी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, कॉन्स्टेंट का मतलब है बच्चों समझ रहे हैं कि टी क्या है, नियत होना चाहिए, टेम्परेचर एकदम स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की, यही तो कह रहा है ना, किसी जो गैस की द्रव में विलेयता यानी जो गैस की द्रव में घुलने की क्षमता, विलेयता का मतलब जब कोई चीज आप घोल रहे हो तो उसके घुलने की जो प्रकृति होती है, क्षमता होती है, वो क्या है, विलेयता होती है। वो किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। समझ में आ गया, मतलब यह है रसगुल्लों, सीधा सीधा है कि जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे यानी जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा ये जो गैस है वो द्रव में
घुलेगी, यानी दाब कम लगाओगे तो गैस कम घुलेगी, दाब अधिक लगाओगे तो भाई साहब ये जो गैस है वो भी ज्यादा घुलेगी। एकदम फंडा क्लियर हो गया है ना। यही समझना था बच्चों कि किसी जो गैस की द्रव में विलेयता होती है वो क्या दाब के समानुपाती होती है। यही क्या है हेनरी भाई साहब कहते हैं, यानी हेनरी जी का यही कहना है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जो गैस की वो विलेयता है वो किसके समानुपाती है, दाब के। ठीक, इसको जब हटाते हैं हमें पता है बच्चों जब हम क्या है ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई यहां पे स्थिरांक यानी कांस्टेंट लग जाता है तो ये हो जाता है। ठीक, ये हेनरी का नियम होता है यानी फार्मूला ये आपका बन जाता है। अब यहां से समझ लेते हैं कि एक एक चीज का मतलब क्या है, एकदम एक बेसिक लेवल से। हम आप कितने भी वीक हो डोंट वरी, मोनो सर है टेंशन नहीं लेना बबुआ, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, ये पी क्या है, अब देखिए एम क्या है, एम हमने बताया कि घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा यानी जितना गैस आप घोल रहे हो उसकी क्वांटिटी है, मात्रा है। के एच क्या है, तो एच बोले तो हेनरी, ठीक, के क्या है स्थिरांक है, तो हेनरी नियतांक या हेनरी स्थिरांक इसको बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद पी क्या है, दाब है, प्रेशर। ठीक, तो ये नियम है हेनरी का नियम, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं या अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, तो इसका नियम हो गया बच्चों। अब यहां पर हम लिखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक, हेनरी के नियम की सीमाएं, नियम की सीमाएं यानी हेनरी का नियम कब कार्य करता है यानी किस चीज के लिए लागू होता है। ठीक, तो हेनरी के जो नियम की सीमाएं हैं ध्यान से समझना बच्चों। सबसे पहला कि हेनरी का नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है यानी सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है, तो लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर, तनु विलयन पर लागू होता है, लागू होता है। ठीक, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा लिखेंगे कि यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, निम्न दाब पर कार्य करता है। ठीक, अब उसके बाद तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा समझ लेते हैं, ये इसके सीमाएं है। तीसरा है कि यह उन गैसों पर लागू होता है, उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, यानी विलायक से क्या आसानी से क्रिया ना करें, क्रिया तो होती है लेकिन आसानी से नहीं, जो विलायक से, ऐसे ही लिख देते हैं, विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है ना, फिर गर्मी बहुत ज्यादा है, एकदम भीग चुके हैं भाई, पानी पानी हो गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी क्या करना, आपके लिए तो भाई करना पड़ेगा, पानी पानी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो ये हो गया बच्चों हेनरी के नियम की सीमाएं। अब देख लेते हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, यानी हेनरी का नियम हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां पर प्रयोग होता है ये भी जानना जरूरी है। ठीक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान रसगुल्लों कोई मतलब नहीं, जो भी पढ़ना है एकदम ठोस पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी जैसे अब की बार बहुत सारे बच्चों ने एमके सर इंस्पिरेशन के चैनल से 94% तक लाए हैं भाई, 92% 93% 94 बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे रसगुल्लों ने एकदम टॉप कर दिया, और अब बारी आपकी है और आपको भी एकदम धुआं धुआं करना है। ठीक है ना, तो अभी से कमर कस लीजिए। अनुप्रयोग में ध्यान देना बच्चों, देखिए हेनरी का नियम का अनुप्रयोग क्या है, अब क्या कहते हैं कोको कोला है ना, स्प्राइट हो गया, थम्सअप हो गया, ये सारी चीजें लाइक दैट, शीतल पेय पदार्थ जिसको बोलते हैं, अब ये नहीं विस्की ब्रांडी रम बियर वोडका ये सब चीज नहीं, तो जो भी पेय पदार्थ होते हैं झाग युक्त पेय पदार्थ होते हैं जैसे कोका कोला हो गया, हमने बताया ना थम्सअप हो गया, स्प्राइट हो गया, फिज हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, मतलब सब ब्रांड है लेकिन क्या है तो भाई वही चीज। ठीक, तो इनमें जो गैस भरी जाती है, देखा होगा आपने ढक्कन खोला, जब ढक्कन खोलते हैं तो एक
आवाज से एक अचानक से एक प्रेशर जनरेट होता है ना, यानी आवाज खोलते हैं तो एक बार मतलब अचानक से क्या है, एकाएक उसमें से गैस निकलती है, उसमें टक की आवाज निकल कर आती है, यानी अचानक से प्रेशर के साथ झटके के साथ गैस निकलती है। वो गैस उसमें मिलाई कैसे जाती है? हेनरी के नियम, यानी हेनरी का नियम ही उस पर कार्य करता है। देखो अगर आप उस बोतल को बंद करके इधर उधर झकझोर कर उसके बाद खोलो अचानक से, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान देना। तो पहला हम लिखेंगे कि पेय पदार्थ, ठीक, पेय नहीं लिखेंगे बल्कि शीतल पेय पदार्थ लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों शीतल पेय पदार्थ में, शीतल पेय पदार्थ में हो जाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गोताखोर, गोताखोर, गोताखोर द्वारा जो पानी के अंदर भाई साहब सांस लेते हैं, है ना, पानी के अंदर जो सांस लेते हैं यानी उनके अंदर एक्टिविटीज जो होती है वो हेनरी के नियम पर ही कार्य करता है, तभी अंदर सरवाइव कर सकते हैं जो गहरे समुद्र में जाते हैं, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। तीसरा हो जाएगा बच्चों, हाँ तीसरा हो जाएगा क्या, जैसे हृदय की क्रियाविधि, हृदय की, अरे क्या हृदय लिख रहे हैं भाई साहब, फेफड़ों की क्रियाविधि होता है बच्चों, फेफड़ों की क्रियाविधि, फेफड़ों की क्रियाविधि, यानी जो हमारे फेफड़े, ठीक है ना, जो हमारे लंग्स काम करते हैं, फेफड़े काम करते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो हेनरी के नियम पर ही कार्य करती है। तो ये रहा बच्चों हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की जो सीमाएं क्या हैं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ये सभी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर जानकारी बेहतर लगी हो, वीडियो पसंद आए हो रसगुल्लों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर मार दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी मजे में हो सके। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।